हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कैसे आप लोग आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे देव संस्कृति विश्वविद्यालय की देव संस्कृति यूनिवर्सिटी की इनकी तरफ से पार्ट टाइम पीएचडी के लिए स्पेसिफ़िक नोटिफिकेशन आया है उसी को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सो so, इन्फॉर्मेशन को या नोटिफिकेशन को देखने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डी इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करना होगा जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर जो फ्लैश न्यूज़ हो रही है इसमें आप पी एच प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा ये देखिए यहां पर दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं राइट right? अदरवाइज आप स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर भी पीएचडी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सो लेट मी शो यू अनाउंसमेंट्स पे आप फिर से जा सकते हैं देखिए यहां पे एडमिशन का ऑप्शन है एंड देन यहां पे है पीएचडी एडमिशंस ओपन अप्लाई ऑनलाइन फॉर पार्ट टाइम कोर्सेस सो आप लोगों ने काफी बार आई I मीन mean, सब ने नहीं बैठा कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा हुआ है पार्ट टाइम पीएचडी के लिए एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम है स्पेसिफिकली जो पार्ट टाइम पीएचडी का ये नोटिफिकेशन है सो so यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर पोर्टल ओपन होगा एंड इसमें आपको बाकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सो ब्रोशर जब आपको पढ़ना होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके इंग्लिश या हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी का जो पेपर है उसका सिलेबस आप देख सकते हैं देन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने और पेमेंट करने का ये है लिंक ओके okay, इस पर क्लिक करके आप पोर्टल पे विजिट करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन फी पे कर सकते हैं देन ये है नोटिफिकेशन और यहाँ पे अवेलेबल है सो हम डायरेक्टली इसी में देख लेंगे ये 10 जुलाई को ही आया था 2021 को एंड देन यहाँ पे फर्दर इंफॉर्मेशन है सो पार्ट टाइम पी प्रोग्राम है ये क्लियर है और यहाँ पे विषय है और उसमें कितनी सीट है वो भी गिवन है तो हम देख लेते हैं देखिए सबसे पहले है मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान इसमें छह सीट्स हैं पत्रकारिता एवं जनसंचार में तीन है इन्वॉर्मेंटल साइंसेस पर्यावरण विज्ञान में दो है प्राच्य अध्ययन में चार है और इसमें दर्शन शास्त्र में एक है प्रबंधन में दो और आयुर्वेद में एक है भाषा विज्ञान में चार है जिसमें दो है संस्कृत की और दो है हिंदी की देन कंप्यूटर साइंस है एक सीट देन भारतीय शास्त्रीय संगीत में दो है जिसमें एक गायन और एक वादन में है देन पर्यटन प्रबंधन है जिसमें दो है भारतीय संस्कृति एवं इतिहास में दो है शिक्षा शास्त्र में दो है और मनोविज्ञान में है फोर सो so ये है टोटल सीट्स अवेलेबल पार्ट टाइम पी के लिए डेट्स की बात करें सो so, स्टार्ट हुआ है फिफ्टीन ऑफ जुलाई से देन लास्ट डेट है सिक्सटीनथ नवंबर टू सॉरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन सोलह नवंबर दो हज़ार इक्कीस तक आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो तीन दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा आपको लेट फी के साथ अगर आप सबमिट करना चाहें सो नाइनटीन नवंबर लास्ट डेट होगी एंड प्रवेश परीक्षा दैट इज़ एंट्रेंस कब है सो ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ नवंबर को एंट्रेंस है एज ऑफ नाउ बेसिकली लास्ट डेट है सोलह नवंबर दो हज़ार इक्कीस यहाँ पर फर्दर इंफॉमेशन सो यही थी बस हमने देख ली सीट्स मैंने डिस्कस कर ली है एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं और सिलेबस आपको देखना हो सो क्लिक हेयर पर क्लिक करके देख लीजिएगा एक बार हम पहले पोर्टल पर विजिट करते हैं सो क्लिक क्लिकयर पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये पोर्टल है जो कि ओपन होगा एंड इसकी भी लिंक आई विल ट्राई कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दें सो आप चेक कर लीजिएगा तो इसे ओपन होने देते हैं एंड हम तब तक दूसरा जो नोटिफिकेशन है ब्रोशर है उसे देखते हैं सो येस ये है नोटिफिकेशन और ब्रोशर पार्ट टाइम पी एच डी प्रोग्राम ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू एलिजिबिली कंडीशन सेम है दैट इज़ आपने पी जी देट इज मास्टर्स डिग्री आपके पास हो फिफ्टी फाइव परसेंट मिनिमम मार्क्स या फिर बी ग्रेड के साथ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर पी एच डी जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है उस सब्जेक्ट में देन एलिजिबिलिटी है आई मीन जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं फाइव परसेंट रिलैक्सीशन है उनके लिए पार्ट टाइम पी एच डी के कुछ असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी कैंडिडेट फ्रॉम एनी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन तो अगर आप एजुकेशन फैकल्टी से रिलेटेड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट या गवर्मेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के या फिर आप प्रोमोटेड एम्प्लॉ हैं पी एस यू के एक्सेट्रा तो आप एलिजिबल हैं तो प्लीज पूरा वन बाई वन इसे पढ़ जरूर लीजिएगा देन सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट है सॉरी कि एप्लीकेंट शुड बी इन कंटीन्यूस रेगुलर सर्विस सो एट लीस्ट दो ईयर तक आपने कंटीन्यूस रेगुलर सर्विस की हो आप रहे हों और अभी जब आप अप्लाई कर रहे हो तब भी आप हों कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड तो येस yes, आपको अपने एम्प्लॉय से एनओसी लेना पड़ेगा ऑन द लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूटर से जो ये yes करना होता है और ये तो ये सारी देख लीजिएगा एनओसी में ये सभी पॉइंट मैंशन होने चाहिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या रूल्स है वो प्लीज इसे देख लीजिएगा राइट एंड वन मोर थिंग देखिए इनके अलावा दैट इज ये तो रेगुलर एम्प्लॉज़ हैं बट अगर इनके अलावा भी कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो पर्सनल वर्क प्राइवेट बिजनेस या होम वर्क में इंगेज हो, तो आप भी एलिजिबल हैं पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए सो ये सारी इन्फॉर्मेशनस को देख लीजिए देन एडमिशन प्रोसेस है आपको अप्लाई करना है दो क्वेश्चन आई मीन दो पेपर्स होंगे एंट्रेंस एग्जाम में एक तो रिसर्च मैथडोलॉजी का होगा और दूसरा आपके सब्जेक्ट का होगा सब्जेक्ट का सिलेबस नेट का ही होगा और जो रिसर्च मैथडोलॉजी है उसका सिलेबस हमने देखा है दोनों ही पेपर्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और येस फर्दर देखिए इंटरव्यू के लिए एक सीट पर तीन कैंडिडेट्स हैं मैक्सिमम जिनका सिलेक्शन होगा फॉर इंटरव्यू कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन है सो प्लीज़ इन्हें चेक कर लीजिएगा सीट्स हमने ऑलरेडी देखा है ये है फ़ी कितनी होगी आपकी तो इसको देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जाम की जो फी है वो है सेवेंटी डॉलर राइट सो आप इसे रुपीस में कन्वर्ट कर लीजिएगा आई थिंक अराउंड फाइव हंड्रेड होगा ये बिकॉज आई थिंक रेट जो भी होगा रुपी का वो आप देख लीजिएगा गूगल कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा ओके देन सीट ऑफर्ड है तो सीट हमने ऑलरेडी देखी है यहाँ पे इंग्लिश में डिपार्टमेंट लिखे हैं सो देख लीजिएगा एंड देन यहाँ पे है डेट्स हमने ऑलरेडी देखी है सिक्सटीन ऑफ नवंबर इज द लास्ट डेट सो यस ये था ब्रोशर और ये थी नोटिफिकेशन एक बार जो पोर्टल है वो ओपन हो गया होगा तो हम उस पर विजिट कर लेते हैं सो गाइज यस ये है पोर्टल और यहाँ पे आप रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके आई I मीन mean, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उसे फिल करके फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं कोई अगर आपको क्वेरी है तो ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर और ई यहाँ पे प्रोवाइड की गई है इसको चेक कर लीजिएगा राइट right? और कोई क्वेरी है सो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा सो दैट इज इट सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए एंड येस दैट इज इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग